एसआरए योजना ही खरं तर सर्वसामान्यांसाठी गरिबांसाठी एक हक्काची योजना ज्याच्यामध्ये हक्काचं घर मिळू शकतं. मात्र आज हक्काची घरं असताना सुद्धा ती घरं एक प्रकारे काढून घेण्याचा प्रकार होतोय की काय. तर आता आपण पाहिलं इकडच्या रहिवाशांचं हेच म्हणणं होतं की अखेर त्यांना त्यांचं हक्काचं घर मिळालंच पाहिजे. तर त्यावरती सरकार करते काय, एसआरए योजना ही करते काय? रोज आती है, मेरा घर देख के और जाती है, रोज आती है, रोज आती जाती है. क्या करें, देख के गए घर देख के तो रोना आता है. क्या करें हम लोग. पहले तो हम लोग का झोपड़ा था तो बहुत अच्छा था. हम लोग को पानी था, रात को 9 बजे पानी आता था, 12-1 बजे तक हम लोग पानी सब काम हमारा हो जाता था, कोई तकलीफ नहीं थी. अभी इतनी तकलीफ दी है हम लोग को कि पूछो. बाबासाहेबांनी आम्हाला दिलेली ही जागा आहे. त्याच्या माझ्याकडे प्रूफ पण नाही त्याचं की बाबासाहेबांनी की आमच्या गरगरिबांसाठी ही जागा दिलेली आहे. आम्ही कशी ही जागा सोडायची. बिल्डरने आम्हाला येऊन अचानक बुलडोझर फिरवलं घरांवरती. माणसं आहे कुठे, घर कुठे, सामान कुठे, पोरं बाळं कुठे, जबरदस्तीतून बाहेर काढलं घरातून, आतमधून इथे उभं राहू नका तुम्ही, बाहेर वाचालो खेच जनरल. माझा हात फ्रॅक्चर केला, मला 2 लाफे पण मारले पोलिसांनी आणि अख्खा दिवस बंद करून ठेवले. त्याच्यात माझे वडील जास्त आजारी झाले, 8-10 दिवसात ते पण वारले. हमको यहाँ आके 56 इयर्स हो गया यहाँ रहे तुम. यहीं स्कूल पढ़ा, यहीं शादी बनाया मैं, यहीं मेरे बच्चों के यहाँ. मेरी मम्मी का 83 इयर्स है एज. जब मैं यहाँ आया, जब मुझे दिमाग मालूम गिरा है, यानी आदमी लोग को मालूम गिरता उस हिसाब से यहाँ एक भी रास्ता नहीं था, सब मट्टी ही मट्टी थी. पाले नाके से टन्नर रोड से खार दांडे तक ये सिर्फ एक ही नाम था, अम्बेडकर रोड. पूरा आम का झाड़ था. यानी पहले स्कूल से छूटने के बाद पहला आम पेरू चिक्कू ढूंढने के लिए ऊपर भागने की. और एक ही दिलीप कुमार का बंगला था, बाबा नासिर हुसैन का बंगला था और सुनील दत्त का, ऐसा 2-3 और प्राण का, संजू कुमार का, ऐसा ज़्यादा बंग सब का इधर पूरा डोंगर ही था यहाँ, पूरा डोंगर भरेला यहाँ. बहुत बदल गया, बहुत बोला तो बहुत बदल गए हैं. जब भी मैं यहाँ शादी करके आई तभी भी पत्रे का घर था, उसके बाद हम लोग ने ये बनाया. और मट्टी का था, सीमेंट तो नहीं था उस जमाने में, मट्टी पूरा. पानी नहीं था कुछ नहीं. जब हम लोग नहाता था यहाँ से वेल का बावड़ी का पानी लाता था, 1 किलोमीटर लंबा जाके बावड़ी का पानी लाके यहाँ, वो भी बाहर एक पत्रे का, पत्रा भी नहीं था, ऐसा ही मोहरी बना था उस, और उसके बाहर एक खड्डा गिराता था. नहाने के बाद वो पानी उसमें जाता था तो उठा के रास्ते पे फेंकना पड़ता था, नहीं तो दूसरे के दरवाजे में वो नहाने का पानी जाता था. ये घर को हम पैसा इतना डाला, बच्चा को जितना कमाए वो घर को डाला, नीचे का इधर का सब बच्चा लोग कमा के देने का पैसा सब उसमें डाला. अभी भगवान जैसे अच्छा था हम लोग. अभी इन लोग का आंखी में आई बिल्डर लोग का, उसको ये जगह ही मांगता ना, ये जगह मांगता बोलता वो. ...2001 में जॉइंट बिल्डर नाम का कंपनी का बिल्डर आया, उनका जॉय बिल्डर का पूरा नाम है जॉइंट भवान जी सोनी. वो आए थे हमारे ईट 8612 प्लॉट नंबर के ऊपर. वहाँ पर मीटिंग लेने के बाद बोला था कि हम यहाँ पर आपका बिल्डिंग बना के दे देंगे.
उन्होंने ये भी बताया कि ये SRA में जा रहे हैं। हम ये सोच रहे थे कि कुछ बढ़ावा आए, कुछ प्रगति हो, लोगों ने चाह कि झोपड़पट्टी में कितने दिन रहेंगे, अच्छी SRA स्कीम आई है तो आपने डेवलप खुद हो रहा है उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। लेकिन ये हमारी डेवलप के बजाय बिल्डर खुद अपना डेवलप करने के लिए आया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या समाजासाठी त्या वेळचे जे इथले महार कम्युनिटीचे कार्यकर्ते होते, सखाराम धोत्रे आणि जाधव यांना सांगून त्यावेळच्या मुंबई इलाख्याच्या मंत्र्यांना सांगून ही जागा मिळवली। बाबासाहेबांनी ही जागा मिळवून दिली, जागेवरून लोकांना जागेचं वाटप आणि आपसातील थोडेसे हेवे दावे म्हणून एकाच सोसायटीचे दोन भाग झाले आणि डॉक्टर आंबेडकर सोसायटी ही निर्माण झाली। कोकणस्थ महार कॉलनी ही 1935-36 इन्स्टॉल झाली आणि डॉक्टर आंबेडकर सोसायटी ही 1947 इन्स्टॉल झाली। या दोन सोसायट्या महाराष्ट्रातील पहिल्या सोसायट्या वांद्रे विभागात आहेत। ये जो प्लॉट है डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने अपना दलित समाज यहाँ पर स्टेबल हो, इस्टेब्लिश हो, उनका बस्ती बने और एजुकेटेड सीखे, पढ़े लिखे, आगे बढ़े और समाज के साथ में, जो समाज का जो बढ़ती हो रहा है उसके साथ में चले, उनका बच्चों का भी उन्नति हो, ये हिसाब से उन्होंने सोसाइटी बनाने के लिए कहा गया था। 1933 में इन्होंने वीजी राव करके कलेक्टर थे उनके पास से ये जगह मांगी थी। तो उस वक्त वीजी राव ने ऐसे 5 सोसाइटीज अलॉट किए थे, जैसे एक 10th रोड पर प्रभु पाठारे लोगों के लिए, एक 18th रोड अम्बेडकर सोसाइटी के लिए, 19th और 20th रोड ये कोकणस्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, और 20 और 21st रोड ये चमार सोसाइटी के लिए, और 21st ए रोड जो सेंट्रलाइज के उस तरफ है वो धोबी कॉलोनी करके उनके लिए, ऐसे 5 सोसाइटी स्थापन की थी। या ठिकाणी अगोदर 3 बंगले बांधले, नंतर 9 झाले, टोटल 12 बंगले झाले। त्यांच्या बाबासाहेब ते त्यांचे अगदी जवळचे कार्यकर्ते होते, मेन कार्यकर्ते चळवळीतले, त्यांना जेव्हा बाबासाहेब भेटण्यासाठी आले तेव्हा बाबासाहेबांनी सभोवतालची झोपडपट्टी बघितली, आजूबाजूची झोपडपट्टी बघितली आणि तेव्हा बाबासाहेबांनी सांगितलं की माझ्या या बांधवांना पण जसं तुम्ही लोक चांगल्या घरात राहता तसं यांना पण चांगली घरं बांधून द्या, ही बाबासाहेबांची वाणी आहे माझी। तर कोकणस्थ महार कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी खार मुंबई नवीन 3 घरे कॉलनीतर्फे डॉक्टर बाबासाहेबांचा आंबेडकरांना पुष्पहार अर्पण करण्यात आल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बोलावयास उभे राहिले। मला तुमची घरे पाहून फार आनंद होत आहे, तुम्ही हे धाडस केल्याबद्दल मला अभिमान वाटतो, त्याबद्दल मी तुमचे अभिनंदन करतो, हे तुमचे सुख पुत्र पौत्रापर्यंत कायम टिकेल असा प्रयत्न झाला पाहिजे, दूरदृष्टीने आणि काटकसरीने वागून तुमचे हे वैभव भावी पिढीने टिकवले पाहिजे, तुमच्या शेजारी झोपड्यात जीवन कंठणाऱ्या आपल्या गरीब भाऊ बंधांशी गुण्या गोविंदाने वागा, त्यांच्यासाठी चांगली घरे बांधून देण्याविषयी मी सरकार व बांद्रा म्युनिसिपॅलिटीकडे
प्रयत्न चालवला आहे. अछूतों के लिए अलग से बस्ती की मांग उनके लिए एक नए जीवन का आंदोलन का हिस्सा है. अछूतों को हिंदुओं के दास्ता से मुक्त करना ही इस आंदोलन का मकसद है. यह ग्रामीण व्यवस्था ही है जो अछूतों को अछूत बना के रखती है, और इसलिए अछूत ये मांग करते हैं कि ये व्यवस्था टूटनी चाहिए और उन्हें भौगोलिक और क्षेत्रीय रूप से अलग किया जाए, क्योंकि वे इस व्यवस्था में पहले से ही सामाजिक रूप से अलग हैं और उन्हें अलग से गांवों में बसना चाहिए जो केवल अछूतों के लिए हो और जहां ऊंच नीच और छूत अछूत का कोई भेदभाव ना रहे. अछूतों ने पहली बार अपने लिए अलग से बस्ती की मांग की है और ये एक नई मांग है. ये अभी कह पाना मुश्किल है कि हिंदुओं का इस मांग पर क्या रवैया होगा, और जहां तक मेरा मानना है दूसरे मांगों के साथ जो भी हो वे इस मांग को मानने के लिए कभी राजी नहीं होंगे. डोमेसिन को आया था ना, हम लोग बैठा था उधर, राम को इन लोग को लेके गए सब चोकरा लोग को, अब फिर हमको अंदर डालने को गया. वो लेडीज गाड़ी लेके गई, लेडीज मेरे को खींच के लेके गया. हम बोला हम नहीं आएंगा, बोलते चलो इस हमारा लड़का, बोला हमारा माँ को छोड़ दो, माँ को क्यों, तो इधर बैठो. हमको बोलता बस स्टॉप बस स्टॉप पे बिठा दिया, बस स्टॉप पे एक घंटा बिठाया हमको. उधर बैठ के कुर्सी डाल के तीन दो जान बैठा था, बड़ा बड़ा लोग, बोलता डालो मरने जान दो, बता दो तीन गए तो वादा नहीं. बिल्डर बोल रहा है, बिल्डर बोलता, हम नाम हम लोग सुनता है. उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दस साल में लोग मर गए तो उसको कुछ फर्क नहीं, उसके पास पैसा है, वो पैसा दबा के दबा देंगे सब लोग. जैसे ना द पुलिस आप बताओ पीपल, बट आई हैव नेवर सीन द पुलिस डूइंग गुड फॉर द पीपल, दे ओनली पुट द इनोसेंट पीपल इनसाइड. 56 साल के बाद पहले बार ये पुलिस स्टेशन गए, उनको मन मैं अभी तक पुलिस स्टेशन में कभी कुछ नहीं मालूम नहीं था, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं पुलिस स्टेशन गया, कुछ काम पे लिए भी नहीं, यानी एक टाइम लाइसेंस घुमाया था उस टाइम गया था बस. थर्टी वन स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए कम से कम 300 से 400 पुलिस था. पुलिस फोर्स क्यों, पुलिस फोर्स का ज़रूरत ही नहीं था. पुलिस फोर्स ला करके उन्होंने हमारे 15 जन को पुलिस कस्टडी में डाला, जो पुरुष थे आदमी लोग थे उनको कस्टडी में लेकर के, और औरत और बच्चे विरोध नहीं कर पाते थे. यहाँ पर दो औरत उस दिन आईसीयू में एडमिट हो गए क्योंकि जो डेमोलिशन था उन्होंने जेसीबी से करवाया था. निष्कासित करना है, डेमोलिश करना है तो उसका बिजली काटो, पानी काटो, उसका दरवाज़ा निकालो, खिड़की निकालो, ये होना चाहिए. लेकिन इन्होंने ऐसा ना करते हुए इन्होंने डेमोलिशन किया है, डायरेक्टली घरों के ऊपर बुलडोजर चला के तोड़ दिया है. लोगों का, कुछ लोगों का जेवर, ज्वेलरी, फिर बहुत सारा सामान सब अभी भी ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है. लोग अपना पूरा फैमिली ये सब रैबिट के ऊपर, जो मलबा था वो मलबे के ऊपर हम लोग अपना घर चलाते थे. मेरी बीवी पेट से है, 9वां महीना चल रहा है, उसको लेकर के भी, मैं फैमिली को लेकर के, एक और एक छोटा बच्चा है उसको लेकर के हम लोग मलबे के ऊपर बैठे थे. अभी आपने भी देखा हो छोटे छोटे बच्चे भी है अभी रास्ते के ऊपर. जो आपने खोया उसका फायदा दूसरों को मिला है. आपका अपमान दूसरों का गौरव बढ़ाता है. गरीबी, अभाव और अपमान जो आपको झेलना पड़ता है वो आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल नहीं है, बल्कि आपके ऊपर बैठे आकाओं के अत्याचार और चालबाजी के कारण है. आपके पास जमीन नहीं है क्योंकि उन आकाओं ने सब हथिया लिया है. आपके पास कोई पद नहीं है क्योंकि उच्च जाति वाले सब जगह बैठे हैं. किस्मत के खेल में मत फंसिए, अपने ताकत पर भरोसा कीजिए. 1927 साली महाड़चा जो पहला सत्याग्रह झाला त्याची पहिली वांद्र्यातली पहिली बैठक ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या पुढे एक चिंचेचं झाड आहे त्या झाडाखाली झाली. कुठल्याही पद्धतीची वाहनांची ट्रान्सपोर्टची सोय नसताना त्या काळात 1000 माणसं जमा होणं
हे बाबासाहेबांचं केवढं मोठं कार्य आहे आपल्याला दिसेल. हा इतिहास कुठे मिळत नाही, हे कोणी सांगत नाही. महाडला जेव्हा गडबड झाली त्यावेळेला बाबासाहेबांनी लोकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ह्या भागातले जे काही लोक झाले गेले होते ते बाबासाहेबांच्या संरक्षण करणारे होते. पण त्यांना एक माणूस म्हणाला, अरे तू एवढा मोठा कार्यकर्ता, बाबासाहेबांचा बॉडीगार्ड, मग लोकांना मारताय, तू गप्प कशाला बसतोस. तेव्हा त्यांनी काय सांगितलं की जोपर्यंत बाबासाहेब मला ऑर्डर देत नाही तोपर्यंत मी माझी काठी चालवणार. इतका बाबासाहेबांच्यावर दृढ विश्वास लोकांचा होता. त्या 52 भागाला बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारलं, तू किती लोकांना मारशील रे? त्याने सांगितलं, माझी नजर जिथपर्यंत जाईल ना तितक्या लोकांना मी मारेन. म्हणजे असे लोक त्या काळातले या वांद्रे विभागात राहत होते. यानी मेरे पिताजी से लेकर मेरे दादाजी विदाजी ये यहाँ ही रहते थे, तो अभी ये चौथी पीढ़ी हमारी चालू है. और मेरी जो माँ की मौसी चाची है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम करती थी. मीन्स उनके जो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना, उनका कुछ फॉलोअप्स वगैरह लेना, तो उनके साथ ऐसे यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो बुज़ुर्ग है वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलजुल के काम किए हैं. और यहाँ पर जितने भी मीन्स 40% जो बुज़ुर्ग पहले थे वो बाबा साहब के अच्छे परिचित थे. यहाँ पर एक माने बाबा करके थे, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ड्राइवर थे. और उनको बाबा साहब को जब भी कभी बोमिल की चटनी वगैरह खाने की जब इच्छा होती थी तो उनसे वो मंगवाते थे और खाते थे. महड़ के सवन हिंदू अछूतों को चौदाल झील से पानी नहीं देते, इसलिए नहीं कि उनके छूने से पानी गंदा हो जाएगा या भाप बन के उड़ जाएगा. अछूतों को पानी नहीं पीने देने के पीछे उनका कारण है कि पानी पीने देकर वे हमें बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते, जिन्हें सनातन परंपरा ने नीच और छोटा माना है. इसलिए नहीं कि उनके छूने से पानी गंदा हो जाएगा या भाप बन के उड़ जाएगा. अछूतों को पानी नहीं पीने देने के पीछे उनका कारण है कि पानी पीने देकर वे हमें बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते, जिन्हें सनातन परंपरा ने नीच और छोटा माना है. साथियों, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो संघर्ष शुरू किया है उसका कितना महत्व है. यह मत सोचिए कि सत्याग्रह कमेटी ने आप लोगों को महर चौदाल झील से पानी पीने के लिए बुलाया है. ऐसा नहीं है कि इस झील का पानी पीने से हम लोग अमर हो जाएंगे. हम लोग इतने दिनों तक इसका पानी पिए बिना भी जिंदा हैं. हम चौदाल झील केवल पानी पीने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं ये बताने के लिए कि हम भी औरों की तरह इंसान हैं. ये साफ होना चाहिए कि ये मीटिंग बराबरी का आदर्श स्थापित करने के लिए बुलाया गया है. किसी को इस बात पर शक नहीं होना चाहिए कि इस क्रांति के शांतिपूर्वक होने देने की जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा हमारे विरोधियों पर है. ये सामाजिक क्रांति शांतिपूर्वक संपन्न होगी या हिंसात्मक रूप लेगी, ये पूरी तरह से सवन हिंदुओं के व्यवहार पर निर्भर करता है. यहाँ पे तो लोग अपना अस्तित्व टिकाने के लिए बैठे थे, हमारा सामान उठा के फेंक दिया, पुलिस आया, हमारे 7 को पुलिस पकड़ के लेके गया. फिर हमने हंगर स्ट्राइक किया था, इसमें 6 थे. लोगों ने तो ऐसा भी ये किया था कि ये लोग खा पी के उपोषण कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे खिलाफ पॉम्पलेट्स बांटे गए और हमारे जो उपोषण करते थे उनकी हालत यहाँ इतना बिगड़ गया कि रोज़ डॉक्टर आकर के चेक करके जाते थे, उनको एडमिट करने का सलाह भी दिया था. Hunger strike, actually, if you go to see, there was no response. Our government will tell us if you all want to die, you'll die. They don't care a damn about it. Because we sent letters to everybody. But we had absolutely no response from anybody. At the 11th day, we were like, instead of our people dying, we better keep a hold on it. Because at that stage, 3 people were so sick that they had to admit them in the hospital. हमारे यहाँ का सिटिंग एमएलए आशीष चेलार घर तोड़ने के बाद 13 के बाद इधर आया था. कितना 13 के बाद बच्चे लोग हंगर स्ट्राइक से उठाने के बाद जाते टाइम बोला कुछ फायदा होने वाला नहीं तुम्हारा, उठ जाओ तुम लोग, ऐसा बोल के गया. गरीबों के लिए कोई नहीं था. स्ट्रक्चर टूट रहा है, टूटने दो, लोग मर रहे हैं, मरने दो.
प्रशासन, कॉरपोरेटर, आमदार, कोई अमला हमारा साथ नहीं दे रहा था। इस प्रशासन भी उनके साथ मिला हुआ है, उनको सपोर्ट कर रहा है। ये बिल्डर के लिए पुलिस काम कर रहा है, आम जनता के लिए कोई भी नहीं है। अभी देखेंगे ऊपर वाले के हाथ में है, आगे क्या होता है क्या नहीं। वो जब से तोड़ा तब से मैं घर में बैठे ला, मेरे को डर लगता है कभी आज तोड़ेगा कल तोड़ेगा, आज तोड़ेगा कल, क्यों मेरा हमारे घर में कोई लड़का नहीं, लड़की लोग है मेरे और मेरा वाइफ ये माँ है, बुरी सामान निकलने के आदमी मुक्ता नहीं, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ के घर में बैठी रहा। There was absolutely no media response. The every time we used to call up a media person, the media person used to be like, oh, we can't make it, we have some issues. Oh, it's not a big news. We had a newspaper person coming and telling us, give me a story. I can't see any story here. I was like, if he can't see a story here, what story is he looking for? हमें अपने लोग चाहते हैं, ऐसे लोग जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे हितों के लिए लड़े और दलितों के अधिकार सुरक्षित करें, ऐसे लोग जो हमारे साथ हुए अन्याय को ठीक करें, ऐसे लोग जो हमारी समस्याओं को बिना डरे मुद्दा बनाएं, ऐसे लोग जो सोचने, आगे बढ़ने और करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोग जो अपने ईमान और मूल्यों के साथ समझौता ना करें। हमें ऐसे लोगों को संसद में भेजना चाहिए जो किसी के गुलाम ना हो, जो कि अपने विचारों पर टिके रहे और हमारी समस्याओं का हल निकाले। केवल मतदाता होना काफी नहीं है, जरूरी है कानून बनाने वाला होना, नहीं तो जो कानून बनाएंगे वही लोग वोट देने वाले पे मालिक बनकर राज करेंगे। क्या विभाग 1950 पर्यंत चार कॉर्पोरेटर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से निवडून आले और बाबा साहब अम्बेडकर के जो साथ में रहने वाले लोग थे वो सारे यहाँ रहते हैं, उनके घर में आपको बताता हूँ। ये महाड़ स्ट्रगल के लिए बाबा साहब ने भेजे हुए दो लोग थे, गोविंद रामजी अडरेकर और केशव गोविंद अडरेकर, सन एंड फादर। ये दोनों लोग 3 महीना स्ट्रगल के लिए वहाँ पे बैठे थे महाड़ में और उन्होंने समता सैनिक दल इंस्टॉल किया। ये लिया हम फर्स्ट लेडी कम्युनिटी, महाड़ कम्युनिटी के फर्स्ट लेडी टीचर मुक्ताबाई कांबड़े, वो यहाँ पे रहती थी, उनका ये घर है। ये बिल्डिंग पहले मंगलोर टाइल्स का छोटा मकान था और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सुपुत्र यशवंतराव अम्बेडकर, जिन्हें भैया साहेब अम्बेडकर कहते थे लोग, वो यहाँ रहते थे। ये फाउंडर लोग थे जिन्होंने बाबा साहब के साथ में ये कॉलोनी को बसाने का काम किया है, महार कॉलोनी को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय बौद्ध महासभा बनाई है, भारतीय बौद्ध महासभा, उसके पहले सेक्रेटरी बाबा साहब ने 3 सेक्रेटरी नियुक्त किए थे, उसमें से एक थे भस गायकवाड़। सफाई हे ते केले, त्याचे ते काढले, ते परत लागलेच गेले। त्यांच्या हातेने सांभाळ केल्यापासून तर सगळं व्यवस्थित होतं आमचं। माझे मिस्टर वयाच्या
बाराव्या वर्षापासून बाबासाहेबांच्या सान्निध्यात होते. सान्निध्यात म्हणजे कसे, बोर्डिंगमध्ये बाबासाहेबांचे बोर्डिंगा होता एक भिवंडीला पनवेलला, त्या बोर्डिंगमध्ये ते होते. माझ्या मिस्टरांचे आई वडील गेलेले होते, त्यामुळे बहिणीच्या मोठ्या धीराने त्यांना त्या बोर्डिंगमध्ये आणून घातलं. त्या काळी असं होतं की लोक गरीब होते, मुलांना शिक्षण देणं परवडत नव्हतं, आणि त्या काळी बाबासाहेबांनी बोर्डिंगा मुलांच्याकरता शिक्षणासाठी काढल्या तेवढी मोठी परवणी होती आमच्या जातीच्या लोकांना. बाबासाहेबांचा त्यांच्यावर एवढा काही विश्वास बसला की काय विचारू नका. प्रत्येक गोष्टीला कुठे गेला गायकवाड, कुठे गेला हा पोरगा, कुठे गेला. बाबासाहेबांचा पूर्वीचा एक प्रेस होता, तो असाच पडलेला होता, तो कोणी तर व्यवस्थित चालवत नव्हतं, आणि कंपोज करणं वगैरे सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आल्या त्या प्रेसमध्ये. पण जेव्हा हे गेले त्यांच्या बाबासाहेबांच्याकडे, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की अरे हा प्रेस असाच पडलेला आहे. प्रेस चालू करायचा यांच्या मनात आलं, पाठवून द्यायचं काम यांचं असायचं. त्यांनी मशिनी पण चालवल्या, दोन रात्र दोन दिवस काढायचे, कारण प्रत्येक गावाचे पत्ते बित्ते सरपंच वगैरे अशांच्या नावाने ते पाठवून द्यायचे ते, आणि तेथील त्या गावच्या लोकांना तो पेपर वाचायला मिळाला. जे थोडेफार वाचणारे लोक होते ते वाचून दाखवायचे रात्रीचे कंदिलान, तेव्हा बत्याबित्या काही नव्हत्या, आणि मग ते लोकांना आपल्या बाबासाहेबांचं काय करतात, काय कार्य करतात समाजासाठी याची माहिती लोकांना मिळत होती दर आठवड्यात. बाबासाहेबांनी एक मोठा एक संदेश दिला म्हणावं लागेल, की त्यांनी सांगितलं आपल्या जातीने खेड्यात राहू नये. आता पूर्वीच्या काळी थोड्याफार वाडवडिलांच्या जमिनी असायच्या, ते तेवढंच करायचं आणि तेवढंच खायचं आणि पुढे काहीच नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांनी सांगितलं शहरातून जा. मुला का दोन हेतू त्यात, मुलांना शिक्षण मिळेल, तुमचा जो अशिक्षितपणा आहे तो थोडा त्या भाषेने त्या लोकात शहरातल्या मिसळून त्यांच्यात सुधारणा होईल. आणि अशा रीतीने बाबासाहेबांनी सांगितलं खेडं सोडा, शहराची वाट धरा. आणि बहुतेकांना जे ऐकलं, जे आता मोठमोठे लोक तुम्हाला झालेले दिसतात ते मूळचे नाही आहेत, आता त्यांचे मुलं बिलं आमच्यासारखेचे असे आहेत, आणि त्यांनीच शहर दिलं धरल्यामुळे बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या कुटुंबांचे उत्कर्ष झालेला आहे. ये जगह पर हम लोग जब भी छोटे थे, छोटे से जब भी अंबेडकर जयंती या बुद्ध जयंती आए, तभी हम लोग छोटा ईंटों का एक मंदिर बनाया करते थे. और जब भी छोटे थे तो ईंटों का मंदिर और उसे मिट्टी लगा के फिर गोबर से उसको ये करके वो बनाते थे, अंबेडकर और बुद्ध का फोटो लगा के हम लोग जयंती सेलिब्रेट करते थे. वो तभी मतलब सारे लोग एक आते थे, लोगों में एकजुट था, एक दूसरे के बदले में प्यार था. अभी वो प्यार नहीं रहा, लोग हर कोई आदमी इंसान स्वार्थी बन गया है. ये और ये स्वार्थी बनाने वाले भी जो हमारे ही कोई कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग हैं. जैसा अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, मेरा आगे जाने के बाद में जो सोचा था मेरा पीढ़ी इस तरीके से उन्नति करेगा, सीखेगा, संघर्ष करेगा, संगठित होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है. जो आदमी लोग पढ़े लिखे हैं वो अपने समाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और जो नेता लोग हैं वो भी अपना ही देख रहे. हमारे कार्यकर्ता भी हैं, कोई कार्यकर्ता कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी को कर रहा है, कोई और किसी पार्टी को कर रहा है, जहाँ पर पैसा मिलेगा उधर सपोर्ट कर रहे हैं. अभी पॉलिटिकल पार्टी आकर के यहाँ पर एक फॉर्मेलिटीज़ बना के रखा हुआ है, दिल से कोई नहीं कर रहा है, बस महज एक दिखावा है कि हम लोग जयंती कर रहे हैं. लेकिन जो लोग आते हैं अपने श्रद्धा भावना से आते हैं, ये अम्बेडकर जी को प्रणाम करने के लिए, उनको पुष्पमाला देने के लिए, वो कल नज़ारा देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए भी डर लगता है. और यहाँ पर जो बाबा साहब का अस्तित्व था, वो अस्तित्व लोगों को दिखता था कि बाबा इन लोगों के कण कण में बाबा साहब बसे. लेकिन अभी यहाँ पर जो ये रीडेवलपमेंट और ये SRA का जो प्रोजेक्ट आया है, तो उसमें क्या है, लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, यानी भगाया जा रहा है.
क्योंकि यहाँ पर दूसरे प्रजाति के लोग यहाँ पर आए और बड़े धनिक लोग आए और हम लोगों का कोई अभी वाली ही नहीं है। जैसे बाबा साहब ने जो आगे का सपना देखा था कि बहुजन बांधव है या दलित बांधव है वो एक कंधे से कंधा मिलाकर बड़े लोगों के साथ रह सके, अच्छी एडुकेशन ले सके, अच्छे से लोगों के साथ रह सके, लेकिन यहाँ पर अभी वैसे कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग का जयंती अच्छे से होती, सब एक मिल के सब करते थे। जब ये तोड़ने का आ गया ऐसा रहते सब अलग 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 सब अलग हो गए, सगड़े बाजूला झाले थे, कौन ऐसे एकत्र नहीं है तो दो लोग। भीम बाबा नवान कसा बाजार भरला झाला घायाळ गा भीम कुठ चाल लिया जत्रा बाई ग। व्हाट्स द यूज ऑफ स्टडिंग सो मच? I myself, I'm studying for my chartered accountancy. I was like, at that moment when they were breaking people's houses, I was like, what's the use of my education? What's the use of staying in this country? I actually sent a CM a letter saying that the youth, being the youth of this country, what I have seen now, I don't think I want to live in this country. There's no hope left here. What's the use of studying so much? I sent letters to Modi, to Maharashtra's, chief minister. I didn't get any response. On top, I get mails saying that the prime minister is doing this, the prime minister is doing that. So after sending a mail, I'm just getting his promotional mails. He's trying to clean the country. But I think he's trying to clean the poor. According to me, it's that. When you say you're trying to clean the country, clean the corruption out of the country. I don't see any corruption out of the country coming out. आज तक हम लोग को नोटिस के ऊपर नोटिस आ रहा है। हम लोग को 2012 का नोटिस हम लोग ने चैलेंज किया, वो नोटिस चैलेंज करने के बाद हाई कोर्ट ने स्टे मिला था। बिल्डर का जो फाइल था वो फेंक दिया था, लिटरली फेंक दिया था ऐसा कि वो जो चाहिए मुझे चाहिए इंडिविजुअल कंसर्न वो लेके आओ। और उन्होंने बोला था जो ऑर्डर है टू बी कंटिन्यू टू हाई पावर कमेटी और उन्होंने नीचे भेजा। और हाई पावर कमेटी में क्या हुआ, उन्होंने मैनेज कर दिया, लोगों को मैनेज कर दिया और उनको बोला कि 70% लोग तैयार है, तुम लोग 30% लोग तैयार नहीं है। अगर काउंटिंग करोगे 70% लोग, मतलब जज ने जो ऑर्डर दिया था वो 70% भी नहीं हो रहे थे, वो 69% हो रहा है, कुछ 68 point something। फिर भी हमें अंधेरे में रख करके वो 70% का मेजोरिटी उनको दे दिया। मतलब कोर्ट ने हमें ऐसा दिखाया है कि 33 लोगों को जीने का हक नहीं है या अपना जगह बचाने का हक नहीं है। ये इस तरीके से हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम लोग को वापस हाईकोर्ट में भेजा। हाईकोर्ट में मिस्टर वजीबदार थे, उन्होंने इतना गंदा लिखा है ना कि तुमको घर मिल रहा है, मुफ्त का घर मिल रहा है, जैसे शासन हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा घर, अगर शासन मेहरबानी कर रहा है तो हमारे वी हैव दैट कैपेसिटी टू बिल्ड आवर हाउस, बिल्ड आवर बिल्डिंग। शासन हमारा सुन रहा है नहीं। 26 जनवरी 1950 से हम एक अंतर विरोध से भरे दुनिया में जीने जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से हम सब हिंदुस्तानियों को बराबरी का हक मिलने वाला है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर हम में असमानता बनी रहेगी। राजनीति में हम एक आदमी एक मत और एक मत एक मूल्य के सिद्धांत को लागू कर रहे हैं, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने आर्थिक और सामाजिक ढांचे के कारण एक आदमी एक मूल्य के सिद्धांत को नकारेंगे। कब तक हम इतने अंतर विरोधों के साथ देश चला सकते हैं? कब तक हम लोगों को आर्थिक और सामाजिक समानता से वंचित रखेंगे? अगर लंबे समय तक हमने ऐसा होने दिया तो हमारे राजनीतिक लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमें जितनी जल्दी हो सके ये अंतर विरोध मिटा देना होगा, नहीं तो जो लोग इस असमानता की पीड़ा भोग रहे हैं
वे लोग इस प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकेंगे जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया है। हमने काफ़ी कोशिश किया कि ये जगह बचाने के लिए, क्योंकि जो बाबा साहब का याद है, जो सोसाइटी उनका है, और ये हमारा सोसाइटी के ऊपर कोई और प्लॉट ये आकर के खड़ा रहेगा, हमें वो पसंद नहीं। क्योंकि अगर कल यही जगह पे जहाँ पर हमारा हम लोग बचपन में खेले, वो जो गलियाँ वहाँ पर, वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर कल अगर यहाँ पर बड़ा टावर भी बनेगा तो यहाँ पर हम लोग को गेट के बाहर भी खड़ा नहीं करेगा कोई। वॉचमैन आके हमें डंडा मारेगा और बोलेगा क्या है इधर, क्यों खड़ा रहा ये करके। यही सब भावना लेकर के हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा रिहैब जो है हमारे जगह पे हो। जो लोग चले गए हैं चंद पैसों के लिए, आज पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, जगह की वैल्यू देख लीजिएगा। आज से 10-15 साल या 20 साल के बाद जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उनको ये जो जगह की वैल्यू उस वक्त पता चलेगा, आज भी है, कल के बारे में हम सोच रहे, फ्यूचर के बारे में सोच रहे। चंद पैसों के लिए लोग चले गए, बट हम लोग जो 31 लोग जो लड़ रहे हैं वो अपनी जगह के लिए लड़, जगह बचा के रखे। आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को ये जगह दी है उनका हम लोग पालन कर रहे हैं कि ये जगह रहे, इस पे हमारी बस्ती बसे। अगर यही समाज का जो जगह था, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर का नातू जो है आनंदराज अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर, ये लोग रिहैब करते थे बिल्डिंग और इसको रेंट के ऊपर देते थे, तो समाज का भला करने के लिए पैसा आता था। जो गरीब जनता है उसको, किसी को पढ़ने का कैपेसिटी नहीं है, किसी को खाने के वांदे हैं, अभी भी देश में बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए भी वो लोग मदद कर सकते थे। लेकिन नहीं, लोगों ने अपना भला देखने के लिए वो प्लॉट बेच दिया है। हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी उन्नति हुई है, पढ़ लिख कर कुछ लोग बड़े अफसर बन गए, पर इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुझे उम्मीद थी कि ये लोग पढ़ लिख कर समाज के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन मैं छोटे और बड़े क्लर्कों का एक झुंड देख रहा हूँ जो सिर्फ अपने पेट भरने में मगन है। अगर आपको कोई अपने घर बुलाता है तो आप शौक से जाइए, पर अपने घर में आग लगाकर वहां जाने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। अगर वह राजा किसी दिन आपसे गुस्सा हो जाए और आपको अपने घर से निकाल दे तो फिर आप कहां जाएंगे? अगर आपको अपना ईमान बेचना है तो शौक से बेचिए, लेकिन अपना संगठन बर्बाद मत कीजिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम पड़ेगा, अगर जिंदा होते थे तो उनको डेफिनेटली रोते थे कि मैंने क्या सपना देखा था और क्या हो रहा है मेरा समाज, किस तरीके से लोगों को, अपना समाज, अपने समाज बांधों को कैसा लूट रहा है, कैसा लूट के मेरा जगह जो दे रहा है लोगों को यहाँ से भगा रहा है, ये किसी को हक नहीं है। हम तो हमारे घर के लिए फाइट कर रही है, उसमें तो हमारा हक है, वो कोई छीन नहीं सकता है। जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए, अभी तो हमको ज़्यादा नहीं मांगता है और कम भी नहीं लेने वाले हैं। हमारा दिल कह रहा है कि आज ने, आज के 10 साल बाद भी जब भी लोगों को मालूम पड़ेगा हम लोग क्यों लड़ रहे थे, क्यों ये स्ट्रगल कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक किसके लिए किया है, सारे समाज के लिए किया, ये जगह बचाने के लिए किया, वो लोग याद करेंगे हमें कि ये लोग ने जो किया वो सही किया। जो लोग उपोषण के लिए बैठे उनका शुक्र गुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हिम्मत बताई। बाबा साहब के जो फॉलोअर लोग हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने खुद के लिए कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ भी नहीं बनाई। बाबा साहबाने कॉलेज काढलं, नाव काय दिलं, सिद्धार्थ कॉलेज, औरंगाबादला कॉलेज बांधलं, काय नाव दिलं, मिलिंद कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, ही नावं काय दर्शवतात? स्वतःसाठी करायचं असं तर बाबासाहेब कोट्याधीश झाले असते, पण बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी स्वतःच्या नावासाठी काय करतात? भीम बाबाच्या नावानं कसा बाजार भरला, झाला घायाळ गा भीम, कुठ चालली या जत्रा बाई गा।
माईचा